नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो लोग भारत सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भारत सरकार ने लॉकडाउन करने से पहले समय नहीं दिया, कम से कम 1 दिन का 2 दिन का समय देते, तो वो लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं ना, सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हुआ क्या कि तुर्की में कोरोना वायरस जो पेशेंट के जो आंकड़ा है वो 70,000 को क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, और 13,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, ये ऑफिशियल डाटा है, और अभी तक वहाँ पर फुल्ली टेस्टिंग नहीं हुई है। जैसे ही वहाँ पर टेस्टिंग बढ़ेंगी तो आपको डाटा ये बढ़ा मिलेगा। ईरान को भी फेल करने वाला है यहाँ पर तुर्की। तुर्की की हालत तो बहुत ही बद से बदतर हो गई है। अब से 3 दिन पहले तक तो वहाँ लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। वो लोग तो बस खुश हो रहे थे कि बस चीन चीन की ये प्रॉब्लम है, हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक वो मतलब कि इतना बुरी मिसमैनेजमेंट थी वहाँ पर कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि तुर्की ने वहाँ पर कोरोना के मरीज़ आ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे कि भारत ने तो जो दवाइयों का एक्सपोर्ट था लगभग बंद कर दिया था। 1-1.5 महीने पहले भारत ने सब कुछ बंद करके रखा था कि जी हम तो अपने पहले अपना स्टॉक पूरा फिल करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट का देखेंगे। भारत ने इसलिए अभी कुछ 4-5 दिन पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का स्टॉक थोड़ा सा खोला है, क्योंकि हमारी जो खुद का स्टॉक है, पहले हमने वो पूरा फिल किया, उसके बाद और खोला है हमने। लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो ब्रिटेन को, अमेरिका को मास्क प्रोवाइड कर रहे थे, दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे थे, मदद भेज रहे थे। और लेकिन अब उल्टा क्या हो गया है, वहाँ पर कोरोना मरीजों की एक तरीके से संख्या बढ़ गई है, जिसे वे कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। तो अब ये बात उन पर उल्टी पड़ रही है, क्योंकि उनका राष्ट्रपति तो खुद का मतलब कि राजधानी छोड़कर भाग गया अपने महल में एर्दोगान। अब वहाँ पर संभालने वाला कोई खास रहा नहीं है, और मिसमैनेजमेंट इस हद तक है कि वहाँ पर लोगों के पास ना तो मास्क है ना ही दवाइयाँ हैं, क्योंकि सारे तो वह एक तरीके से वर्ल्ड लीडर बनने के चक्कर में एक्सपोर्ट करते रहे, मतलब कि देते रहे, बेचते नहीं, दान करते रहे, जैसे कि यूएस को उन्होंने दान दिया। लेकिन अब उनकी खुद की स्थिति लग पड़ी है। दूसरा एक तरीके से ब्लंडर उनके देश में ये हो गया कि जी उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन अनाउंस करने वाले थे वे 3 से 4 दिन पहले लॉकडाउन, और उन्होंने क्या कहा लोगों को कि आज से 2 दिन बाद हम लॉकडाउन करेंगे, तो आपको जो सामान चाहिए वो ले लो। जी हाँ, और होना क्या था, भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि आज से 2 दिन बाद हम लॉकडाउन करेंगे, लोगों के एक दिमाग में पता नहीं क्या, वो होता ही हमेशा सबके दिमाग में घबराहट होती है, भाई अगर आपको पता चले कि 2 दिन बाद ये होगा तो आप तो भागेंगे, अगर आपको पता चले कि हो चुका है तो आप तो अपने घर में रहेंगे, जैसे कि भारत में हुआ। भारत में मतलब कि देखिए, भारत सरकार ने इमीडिएट तौर पर लॉकडाउन लगाया था, तब जाकर इतनी थोड़ी बहुत ही भगदड़ मच गई थी। अगर भारत में भी ऐसा कर देते कि जी भाई 2 दिन बाद लॉकडाउन है, तो फिर तो लोग देखिए कैसे बाजारों में घुस जाते। और यही एक तरीके से कोरोना महामारी को तुर्की में फैलाने का सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया है, मिसमैनेजमेंट। और दूसरा, लॉकडाउन को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना कि जी 2 दिन का समय दिया लोगों को, और लोग वहाँ पर बाजारों में भाग पड़े, आपस में कॉन्टैक्ट हुआ, और इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई तुर्की में कि वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो सकती। क्यों ट्रेसिंग कहाँ से करेंगे, कि सब तो लोग बाजारों में थे, बाजारों से फैला, तो किसे किसे ट्रेस करेंगे। लगभग पूरे देश में वहाँ पर कोरोना भारी मात्रा में फैल चुका है, ना तो तुर्की के पास दवाइयाँ हैं, ना मास्क है, ना ही वो स्थिति संभालने वाला कोई है, क्योंकि उनका खुद का लीडर अपने महलों में पड़ा है, क्योंकि उसे खुद को कोरोना होने का टेंशन है। तो यानी कि जो लोग भारत में शिकायत कर रहे थे कि जी लॉकडाउन से पहले समय दिया हुआ था, इमेजिन करिए भारत जैसे देश में ही आप, हमारे यहाँ पर लॉकडाउन के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे, इकट्ठा हो रहे थे। लॉकडाउन अगर हम 2-3 दिन का समय देते तो लोग तो भगदड़ मच जाती, बाजारों में एक इतना बुरी हालत हो जाती, आप सोचिए। यानी कि जो मुझे लगता है कि उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो लोग कह रहे थे कि जी हमें समय नहीं दिया गया। तो ये भारत सरकार का एक ज़बरदस्त मूव था कि हमने तुरंत इसे लॉकडाउन किया, बहुत ही मजबूती से लॉकडाउन करवाया। हालांकि कहीं कहीं मिसमैनेजमेंट किसी एक तरीके से हमारे यहाँ भी आई है, जैसे कि दिल्ली में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं फैल सका है, उसे कंट्रोल कर लिया। ये काफ़ी अच्छी बात है, और यही कारण है कि भारत में जो पहले एक्सपर्ट कह रहे थे कि जी एक बार 1,000 को पहुंचने दीजिए आप भारत में, फिर तो भारत सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी, 1,000 के बाद तो पर डे ये 3-4 हज़ार सब आपके पास आएंगे, और एक हफ्ते के अंदर ये 50-60 हज़ार हो जाएगा। हमने 10,000 पर कंट्रोल करके रखा है, और हम इसके हमारा जो लक्ष्य है वो इसके आसपास इसे कंट्रोल करके रखना है। और इसमें अथॉरिटी को भी हमें जितनी चाहे पुलिस हो, चाहे हमारी जो नर्सेज हों, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जितने भी लोग इसमें जुटे हुए हैं, सबको धन्यवाद करना चाहिए।
जी हाँ, क्योंकि देखिए तुर्की जैसे देशों में, हालांकि जहाँ पर बहुत छोटी पॉपुलेशन है, वहाँ पर उनके छोटी पॉपुलेशन में भी बहुत सारे उनके पास आप ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज है, मेडिकल रिसोर्सेज है, लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और भारत ने बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन में बहुत ही छोटी, ये कह सकते हो कि आप हमारे पास चीज़ें थी, लेकिन हमने उसमें ही सब कुछ अच्छे से कंट्रोल और मैनेज करके रखा है। यही फ़र्क होता है मैनेजमेंट का, और यही फ़र्क होता है मिसमैनेजमेंट का भी। जी हाँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा जरूर कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि पर डे 3 वीडियो यहाँ पर आपको मिलती ही मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर। थैंक यू वेरी मच।